नमस्कार। धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, विकास के मुद्दों में अगर सही तालमेल हो तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सत्ता सुख का लोभ इस तालमेल को हमेशा धराशाही करता रहा है और इसको बचाने के लिए एक बार फिर एक बड़े परिवर्तन की जरूरत है, एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। फिलवक्त बिहार चुनाव के कारण देश की सियासत में कुछ पुराने और विवादित मुद्दे चर्चा के विषय बने हुए हैं। आम आदमी के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की दरकार है। मतदाताओं की अपनी मजबूरियां हैं। महंगाई, 100 रुपये किलो आलू प्याज, प्रवासी मजदूर की मजबूरियां, किसानों की समस्या, महिलाओं के उत्थान आदि के मामले अब चुनावी मंच पर गूंजने लगे हैं। कौन देगा रोजगार, तो कौन दिलाएगा युवाओं को बेरोजगारी से निजात, किस सरकार में ये काम हो सकता है, किसका सरकार अच्छा है तो किसका जंगल राज, कौन देगा राम राज तो कौन बचाएगा महिलाओं की लाज। सच भी है, ऐसे ही मुद्दों के नाव पर सवार होकर लोकतंत्र का बेड़ा पार लगता है। लेकिन यह भी उतना ही सही है, जब भी ऐसे मुद्दे सामने आने लगते हैं तो भाजपा लूप लाइन खोजने लगती है। ऐसे में कश्मीर, पाकिस्तान, राष्ट्रभक्ति, आतंकवाद और धर्म का हथियार काम आता है, क्योंकि ऐसे ही मुद्दों की बैसाखी पर सत्ता तक पहुंचना आसान हो जाता है। अब गौर करें तो चुनाव बिहार विधानसभा की है और भाजपा की चुनाव मुद्दों में पाकिस्तान, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद को बिहार के हर मुद्दे के आगे रखा गया है। जरा गौर करें, पाकिस्तान के संसद में मंत्री फवाद चौधरी ने फरवरी 2019 में हुए पुलवामा के आतंकी घटना को इमरान सरकार की बड़ी उपलब्धि बता दी, जो बयान शायद इमरान सरकार को उल्टा पड़ रहा है, लेकिन इसे गोदी मीडिया ने मुद्दा बनाकर उन लोगों को के बयानों को टटोलना शुरू कर दिया जिन्होंने पुलवामा हमले पर सरकार से प्रश्न किए थे। फिर क्या था, भाजपा ने भी इसे मुद्दा बना लिया। अब इस मुद्दे को राष्ट्रवाद और सेना से जोड़कर भावनात्मक रूप से देश में और खासकर चुनाव में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जैसे विपक्षी पार्टियों में कोई राष्ट्रवाद का झंडा बरदार हो ही नहीं। इस मामले में भाजपा को बिहार चुनाव के लिए एक हथियार दे दिया है। ऐसे ही एक मामले में 2019 के आम चुनाव में भी भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया था, लेकिन इस बार का बिहार चुनाव नया संकेत दे रहा है। बिहार चुनाव में भी प्रधानमंत्री को धुआंधार रैलियां करनी पड़ रही है, लेकिन विरोधी दल की रैलियों ने NDA की नींद उड़ा दी है। मोदी जी के रैली में उमड़ने वाली भीड़ और तेजस्वी के रैली में भीड़ कुछ अलग ही कहानी बयान कर रहे हैं। NDA नेताओं के पास बिहार चुनाव में नीतीश कुमार के 15 साल के विकास कर्ज दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो अब गुजरात में सी प्लेन की उड़ान को देश के विकास का उड़ान बताया जा रहा है। गुजरात के केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच एक प्राइवेट कंपनी द्वारा विमान सेवा शुरू किया गया जो 40 मिनट में 200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। शनिवार को मोदी जी इस विमान सेवा के पहले यात्री बनकर सफर किए। बताया जा रहा है कि आम आदमी के लिए सी प्लेन मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। बुलेट ट्रेन भी मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मन की बात के बाद अब मोदी स्वप्न भी आम आदमी के लिए तैयार है। अब यह अलग बात है कि आम आदमी का सपना तो 2 जून की रोटी, एक घर, बच्चों की पढ़ाई तक ही सीमित रह जाता है। रोजगार और अर्थव्यवस्था सुधार पाने में विफलता हाथ लगी है। अब प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। कोरोना के बावजूद इकोनॉमी के रफ्तार पकड़ने का दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। एक इंटरव्यू में कहा कि भारत 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। कहा कि निराशावादी लोगों को इस पर संदेह हो सकता है, लेकिन देश की जनता को इस लक्ष्य को हासिल करने का पूरा भरोसा है। सपने तो सपने होते हैं, अब सवाल उठाने वाले को ही निराशावादी की संज्ञा दी जा रही है। ये सपने मुद्दों से भटकाने का जरिया तो नहीं, ताकि कोई सवाल ही नहीं खड़े कर सके। लेकिन यह भी सच है कि जो जब सत्ता में रहता है सवाल भी उसी से पूछे जाते हैं। तेजस्वी की रैलियों की भीड़ के बयान के बाद
10 लाख नौकरी देने की बात ने एनडीए को परेशान कर दिया। तो नीतीश कुमार ने जवाब में पूछा कि पैसा कहां से आएगा, पैसा जेल से लाएंगे क्या? वहीं राजद के 10 लाख नौकरी के विरुद्ध भाजपा ने 19 लाख नौकरी देने का वादा कर दिया। लेकिन अब नीतीश कुमार ने यह नहीं बताया कि वो ये पैसा कहां से लाएंगे। इधर मोदी जी ने अपनी चुनावी रैली में बिना नाम लिए तेजस्वी को जंगल राज का युवराज बताते हुए जंगल राज से आम आदमी को डराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जंगल राज के युवराज आए तो बिहार में फिर अपराध एक उद्योग के रूप में शुरू हो जाएगा। अब नीतीश कुमार के पास 15 साल में बिहार कैसा रहा है यह तो जनता के सामने है। अपराध हुआ है या नहीं, अपराध मुक्त था क्या था, ये सब जानते हैं। हद तो तब हो गई जब मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मोदी जी ने चुनावी सभा में जंगल राज के लोगों को डराने के लिए सब कुछ कह दिया, पर शायद उन्हें यह नहीं बताया गया था कि मुजफ्फरपुर में ही बालिका गृह कांड हुआ था और उन मासूम बच्चियों को आज भी न्याय नहीं मिला है। वहीं उस घाव पर नीतीश कुमार ने पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा, जो जदयू को प्रत्याशी बना दिया, वहीं उस घाव को नीतीश कुमार ने और भी क्रोध दिया। पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को उन्होंने जदयू का प्रत्याशी बनाया है, जिनके पति बालिका गृह कांड के आरोपी भी हैं। ऐसे में जंगल राज का उल्टा दाव पड़ सकता है भाजपा पर, और अगर ऐसा होता है तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो नीतीश कुमार के कार्यकाल में भी अपराध कम नहीं हुए हैं और जंगल राज के आपराधिक तराजू पर सुशासन का पलड़ा भी कम भारी नहीं है। शायद यही कारण है कि अपने कार्यकाल की बातों के बजाय नीतीश कुमार जी लालू राज के 15 वर्षों की काली कथा बांच रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को भी भय होगा कि कहीं बिहार के दलित और पिछड़ों को लालू यादव के शासन का वो मंजर याद आ गया जब सामाजिक न्याय के नाम पर उन्हें राजनीतिक प्रमुखता मिलने लगी थी, तो पासा उल्टा पड़ जाएगा। बिहार में अगड़ी जाति को भाजपा का वोट बैंक माना जाता है। हालांकि पिछड़ी जातियों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश भाजपा ने भी की है, लेकिन भाजपा को अन्य पिछड़ी जातियों ने अपना स्वाभाविक पसंद अब तक नहीं बताया है। गैर यादव पिछड़ी जातियों, दलित महादलित, पसमांदा मुस्लिम को आपस में बांटकर नीतीश कुमार ने लुभाने का भरपूर प्रयास किया था, लेकिन राजद का साथ छोड़कर भाजपा के साथ हाथ मिलाने के कारण मुस्लिम पसमांदा ने उनका साथ पूरी तरह छोड़ दिया और अब यही स्थिति महादलित और पिछड़ी जातियों की भी हो सकती है। ऐसे में लालू के सामाजिक समीकरण के फिर एक बार नए अंदाज में बनता नजर आने लगा है। एनडीए का यह पासा भी पलट सकता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि लालू यादव ने कभी हिंदूवादी शक्तियों को बढ़ने में सहयोग नहीं दिया और न ही ऊंची जातियों के सामने सिर झुकाया। वहीं तेजस्वी यादव का नया संदेश सवर्ण मतदाताओं में सकारात्मक रूप में गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में 51% मतदाता 18 से 39 साल के उम्र के हैं। 1995 में जब लालू प्रसाद यादव ने पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाई थी, तो उस समय इन नए मतदाताओं का में से बहुत का जन्म भी नहीं हुआ होगा। वहीं 30 से 40 साल के मतदाताओं की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 साल रही होगी। तो आज रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सवाल उठाने भी यही लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं। उनका आरक्षण का सिगुफा भी भले ही पिछड़ी जातियों को साथ लेने की कोशिश हो, लेकिन दूसरी ओर यह भाजपा को काउंटर करने वाला सोचा समझा कूटनीति भी हो सकती है। दूसरे चरण के मतदान से पहले वाल्मीकि नगर में नीतीश कुमार ने जातियों की आबादी के आधार पर आरक्षण का मुद्दा उठाकर भाजपा को
फिर एक बार मुश्किल में डाल दिया है। गौरतलब है कि 2015 में चुनाव के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की बात कही थी और बीजेपी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। तब हार का कारण संघ प्रमुख के बयान को ही माना गया था। एनडीए वोट मांगते वक्त बात करती है विकास की, लेकिन राजनीति में धर्म और जाति का रंग भी उढ़ेल देती है। जबकि महागठबंधन आज विकास के साथ रोजगार, शिक्षा, खेती, उद्योग आदि की बात कर रहा है। अब ऐसे में अगर बिहार की जनता जाति धर्म के मुद्दों से अलग होकर मतदान करती है तो निश्चित रूप से एक नए तरह का, आश्चर्यजनक तो नहीं कहेंगे लेकिन एक नया परिणाम देखने को मिल सकता है, और इसके साथ ही एक नए युग का आगाज भी इसे कहा जा सकता है। तो बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। आप देखते रहिए finalpost.in, और अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।